बड़ी बात है। आपके बोलने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितनी भी हमारे यहाँ पे मार्केट है सब लोगों से पार्किंग लिया तब उनका कन्वर्जन चार्ज जमा किया है। अगर उन्होंने पार्किंग चार्ज दिया है तो किस लिए उनके दुकान के सामने से आप लोग गाड़ियाँ उठा रहे हो, इसका जवाब मुझे अभी चाहिए, उसके बाद मैं आगे बोलना पसंद करूंगी। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रकम आप लोगों ने पार्किंग के नाम पे ली है, अगर उन लोगों ने पार्किंग नहीं दी है उसके बाद भी आप लोग उनके घर के चाबी से गाड़ियाँ उठा रहे हो उनकी दुकान के बाहर, मतलब ये काला धंधा कब तक चलता रहेगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये किसके ऑर्डर है, ये पूरी की पूरे सभी पार्षदों को यहाँ बताया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा विषय नहीं है। 25-30 हजार 50 हजार में कोई गाड़ी उठाने नहीं आया, अपनी छुड़वाने नहीं आएगा, आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरह मतलब पार्किंग बनवानी पड़ेगी, गाड़ियाँ वहीं पे पड़ी रहेंगी। इसका मतलब आप लोग ये चाहते हो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोई गाड़ी ही ना चलाए। आप तो चेयरमैन है, मैं खुद बैठी हुई थी एके सिंह के कमरे में, आपके यहाँ भी प्रोग्राम था उस दिन गाड़ी उठाने का, आपका बोला है कि नहीं भाई भजनपुरा ले जाओ, फिर वो कहते भजनपुरा भी मत ले जाओ, तो कहते फ्री में छोड़नी पड़ेगी चेयरमैन साहब के यहाँ से। आपकी तो फ्री में छूट जाती है मगर हमारे लिए छुट्टी, हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग हम लोग सत्ता में नहीं है इसलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे कहने कोई सुनेगा नहीं, इसलिए ये सदन को बताया गया कि ये किसके ऑर्डर था, इसको तुरंत के तुरंत वापस भी लिया जाए। आपने जो विषय उठाया है ये ऑलरेडी मैंने विषय लिया हुआ है, मुझे लगा तो पहले जो तय विषय उसे करने के बाद इस विषय पे बहुत गंभीर विषय है, और अगर आप चाहे तो पहले रख लेते, मुझे लगा कि पहले बाकी विषयों पर चर्चा करते हैं। आप सबकी जानकारी में डाल देता हूँ, जैसे बहन ने कहा है मैं इस बात में एक ऑर्डर मेरी जानकारी में कल शाम को आया था जो कि परसों 30 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ से अमेजोन को मिला है और आज 1 तारीख से वो लागू है। इस ऑर्डर के मुताबिक जो गाड़ियाँ हमारे यहाँ से अभी तक टोल की जाती थी वो गाड़ियाँ लगभग पहले 5,5200 रुपये एक सामान्य तौर पर गाड़ी का जो रेट बनता था वो अब 28,000-27,000 के आसपास बनेगा। तो वो लगभग इतनी भारी राशि का जुर्माना जो किया गया है लगभग 5 गुना पहले के आसपास बैठ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण है और हमारे क्षेत्र के मुझे नहीं लगता कि कहीं के लिए भी, और जो दृष्टिकोण हमें अपने क्षेत्र के हालात को सुधारने का होना चाहिए, हमें ये जो एंगल है मेरा खुद व्यक्तिगत राय है, बाकी सदन जैसा कहेगा कि इससे मुझे नहीं लगता कोई सुधार होने वाला है, इससे तो करप्शन और बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, और मैं पूरे समक्ष सदन के ये पटल पर रख रहा हूँ, इसकी एक कॉपी अभी सबको मिल जाएगी, पूरी इसमें डाटा पूरी डिटेल है किस किस चार्ज के अनुसार कैसे कैसे रेट इसमें लगेगा। एक मोटा मोटी मेरे हिसाब से करीब 28-30 हजार रुपये गाड़ी का बैठेगा जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। मैं इससे इतना नहीं रखता, अगर सदन चाहे तो हम इस प्रस्ताव के विरोध में यहाँ पर प्रस्ताव ला सकते हैं, बाकी सबकी जैसे इसी समय चेयरमैन साहब एक चीज गाड़ियों से मांगे हैं ये पूछिए उनसे, ये जानकारी लागू अगर आज हो रहा है तो कल 27,000 किस अधिकार से वो ले रहे थे, या तो वो लोगों को डरा रहे थे, आपके माध्यम से मैं डीसी साहब से पूछना चाहती हूँ कि गाड़ियाँ उठाने का क्राइटेरिया क्या है, जिन मार्केटों ने पार्किंग चार्ज दे रखा है क्या उनके वहाँ से भी गाड़ियाँ उठने का आपका रूल है कि नहीं, अन्यायपूर्ण और बहुत ही गलत विषय है और मैं पूरी तरह से इसकी वक्षता करता हूँ, पूरी तरह से इस सदन के समक्ष इस विषय को रखने के लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले हम इस सदन के माध्यम से एक निंदा प्रस्ताव पास करें
और उसके बाद कहीं तक भी कुछ भी इसके विरोध में करना पड़े तो मैं आपके साथ हूँ और आप सब मिलकर जुल के करें। अभी अभी उन लोगों ने तीन तीन पार्षद ने अपनी एक पार्षद की गाड़ी उठने से बचाई है और उनकी बदतमीजी इस हद तक थी कह रहे जी रूल रूल सबके साथ में चाहे निगम पार्षद चेयरमैन है चाहे हमारे वो अधिकारी है ये क्या मतलब हुआ। मैं मनोज त्यागी जी और मुकेश यादव जी उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे इतने बदतमीज लोग है कि गाड़ी उठा दे रहे उन्होंने गाड़ी ऊपर जाके बात करना हमें नहीं पता इस चीज का तैयार और एक पक्ष से इसको वापस लेने के लिए यहाँ पर भी प्रतिबद्ध है और अगर हमें सदन में रखना पड़ा और इसके लिए कोई भी कुछ भी करना पड़ा तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर ऐसा कर दूं सब मिलकर करें स्पष्ट करें क्योंकि वो बाध्य है जब उनके पास सबसे पहला विरोध अगर इसमें लिखा है तो कम शाम को जानते मेरा विरोध हुआ है और आप सबके माध्यम से आप इस सदन ने जो पास किया है डीसी महोदय से कहूंगा कि इस प्रस्ताव को तब तक कार्यवाही को रोका जाए जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होता रुकवा दिया जाए और इसके लिए सदन आपके साथ खड़ा है सर। बिल्कुल सही बात ठीक है इस ड्राइव को रोकने के लिए सदन एक मत है कई नतीजे पर नहीं पहुँचते तब तक इस ड्राइव को रोका जाए ऐसा डीसी साहब को और किसी को इस विषय में कुछ कहना है। हमारी भाई पार्षद चुनते हैं ये जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए आए निगम का काम क्या होना चाहिए जनता को सहूलियत दे हम जनता जनार्दन जो स्वच्छता के काम है वो कर नहीं पाते कूड़ा उठा नहीं पाते और काम हम सारे हमारे हुए रहते हैं और इस तरह का अफसरशाही का अभियान ये लगा कर कि देखिए गाड़ी पर 28,000 5,000 का जुर्माना तय करना ये घाटा का न्याय है जबकि लोगों ने कन्वर्जन चार्ज दे रहे हैं कन्वर्जन चार्ज के लिए 10 गुना तक कन्वर्जन चार्ज दिया जा रहा है तो वहाँ पार्किंग कहाँ दी हमारे पास तक जब मेरे नागरिकों को पार्किंग नहीं तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। जब तक MCD पार्किंग प्रोवाइड नहीं करती तब तक किसी प्रकार की गाड़ी मेरे यहाँ किसी भी इलाके में नहीं खड़ी। कमिश्नर साहब हमें पार्किंग प्रोवाइड करवा दें हर इलाके में उसके बाद जो मानने की बात मजबूर हो गए नहीं तब पार्षद लोगों को आगे आना पड़ेगा और गाड़ी लूटने देंगे अगर किसी भी समुदाय भवन पर किसी भी बारात घर में किसी भी ऐसे स्थल पर आप दिल्ली के अंदर जनरेटर नहीं चलेगा आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली के अंदर जनरेटर नहीं चलेगा और जनरेटर अगर चला तो उस पर NGT 50,000 से 1,00,000 रुपए का चलान वसूलेगी लेकिन मुझे एक समुदाय भवन MCD वाला भी या दूसरे वाला या कोई प्राइवेट बारात घर चल रहा है बता दो जिस पर जनरेटर नहीं चल रहा हो। पुलिस वाले आते हैं पहले वो लेते थे 100 रुपया अब लेते 2,000-2,500 रुपया तो उनकी कमाई बढ़ा दी गई। इसी तरह जब चलान मोटरसाइकिल का कार का हुआ करता था 100 रुपए का तो पुलिस वाले 50 रुपए मांगा करते थे आज चलान वही कर दिया अगर 1,000 रुपए का तो पुलिस वाला कहता है इसमें क्या होगा 500 में आप गाड़ी उठाने के लिए इसको 27,000 करोगे तो रोड तो मनमानी होंगी जगह जगह 2,000 दे 5,000 दे छोड़ देंगे जगह जगह किसका कौन सा वाला चलिए देखिए अगर इस तरह के ऑर्डर होते रहेंगे मेरा मकसद इतना ही है करप्शन को बढ़ावा होगा
ठीक है, ये सदन हम शब्दों के फेर में ना जाए भाई, एक एक करवा लीजिए। वही बात की रहमान भाई की, वही बात है मनोज भाई की भी, बहन जी ने जो विषय उठाया, और सबसे पहले ये विषय मैं इस सुबह से पकड़ के बैठा था, और यहाँ बैठने से पहले भी हमारी जो चर्चा हुई वहाँ भी हमने इस विषय को रखा, जो गलत है वो गलत है, वो किसी के भी द्वारा किया जाए। और हम जैसा अभी भाइयों ने पीछे रखा कि हम लोगों के निगम का मूल कार्य क्या है, क्या हम एक्साइज इनकम टैक्स सेल टैक्स, हम टैक्स वसूलिंग एजेंसी है क्या? हम हमारा मूल काम टैक्स वसूलना नहीं है, लोगों से किसी प्रकार का दंड देना काम नहीं, कोर्ट का काम है, हम न्यायिक अथॉरिटी नहीं है, हमें लोगों की जन सुविधाएं प्राप्त पहुंचानी है, ये हमारा मूल कार्य है। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो रहा है कि हम अपने मूल कार्य से हटके हम उन दिशाओं पर ज्यादा, ठीक है जिस परिवार में जैसे कहते हैं ना झगड़ा हुआ होता है जहाँ कुछ होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति हमारे परिवार की बनी हुई है जहाँ पर आर्थिक संकट है, और उस संकट से उभरने की कोशिश हमें की जा रही है, मगर संकट से उभरने के लिए हम एक दूसरा संकट अपनी जनता के लिए उत्पन्न कर दें, मैं इस बात के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, और ये पूरा सदन भी मुझे लगता है इस बात के सख्त खिलाफ है, इस बात को किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होंगे। जो अडॉप्शन का सिस्टम है मैं उसकी भी सख्त निंदा करता हूँ। अब आगे इस विषय से आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन साहब, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे जानकारी नहीं दी गई, इसके अलावा किस पे जानकारी दी जाती है मुझे ये बता दिया जाए। देखिए तो बहुत सारे के पीछे बढ़े जा रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, आज तक किसी भी चीज पे अगर किसी पार्षद सम्मानित पार्षदों को जानकारी दी गई होना चाहिए तो हर चीज पे ये विषय आज बैठक में आना बहुत रखा है, और हम लोग कितने महीने से ये सुन रहे हैं कि एलईडी लाइट कन्वर्ट हो रही है, छोटे बच्चे एलईडी लाइट कन्वर्ट होगी, वो कितने सालों में होगी ये स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब से टेंडर हुआ है तब से शायद लाइटें ठीक होना बंद हो गई है, बीएचएस ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, और मैं तो अपनी बीएचएस की जेई को मिल जाती हूँ। सर कौन है वहाँ जी? ये नंबर सही है, इससे पूछो जरा 6 साल से कभी शक्ल दिखाई है, ये इतने व्हाट्सएप से मतलब व्हाट्सएप ग्रुप आपने अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, उससे पहले मैनुअली होता था सब कुछ, और कुछ नहीं हो रहा है सर, लाइटें बिल्कुल सारी की सारी खराब है, हमेशा पेंडिंग पड़ी रहती है, फिर मुझे अपने एमसीडी की जेई को बोलना पड़ता है, वो बेचारा कहीं से अरेंज करके लाइटें ठीक कराता है, बीएचएस बिल्कुल काम नहीं कर रही है, और हमारी सारी हाईमास लाइटें खराब है, हाईमास के लिए हमें कहीं से कोई फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए चारों तरफ अभी आपने कहा 5 महीना चल रहा है रमजान का, रमजान के महीने में भी अंधेरा है, आप ये देखिए मुझे लगता है दिवाली भी शायद अंधेरे में ही गुजरेगी। मैं अपने ये जो बीएसएफ की जगह इनसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे वार्ड में सिर्फ 3 लाइटें जो है वो वॉल पे लगी हुई, दीवार पे लगी हुई, मैं भी जानती हूँ कि दीवार की लाइटें आप लोग ठीक नहीं कर रहे, मगर अगर 10-15 लगी होगी, 20 लगी होगी तब तो आप मना करो, 1 या 2 लाइटों के लिए अगर आप इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल ठीक नहीं होगी तब तो हमारे यहाँ बैठा बिल्कुल बेकार है, लोग हमें वोट देते हैं, उनकी छोटी सी सकरी गली है, और 1 लाइट से मैं 3 दिन से बोल रही हूँ, तो इनका जो ड्राइंग मैन है गिरी वो कहता है जी जेई साहब ने मना कर रखा है, क्यों भाई कितनी लाइटें ठीक हुई है 6 साल में मेरी जो दीवार पे लगी हुई है, एक भी नहीं हुई होगी शायद, मैंने कभी लगवाई नहीं दीवार पे, मैं कोई गलत काम करती हूँ? ये छोटा छोटा सा विषय अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे तो ये तो बहुत मतलब गलत बात हो जाएगी ना, सिर्फ 1 लाइट के लिए बोलना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों बाबाई सिर्फ अखबारों की थ्रू लूट रहे हो, क्योंकि लोग तो फिर भी अंधेरे में रह रहे, क्यों नहीं आप लोग बात करते हैं अपनी जिनको टेंडर दिया है कि भाई इतनी पुअर क्वालिटी आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि जब वो खराब हो जाती है 3 महीने वो लाइट फिर कंपनी में जाती है फिर ठीक होकर आती है, तो मतलब लोग तो बेचारे परेशान हो जाएंगे और हम लोग उनको जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे। ये 2 महीने पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पे रखी थी मीटिंग, 2 महीने बाद भी यही जवाब हमें मिल रहा है, 2 महीने पहले भी यही था, इन दोनों महीने का क्या प्रोग्रेस है आप समझ सकते हैं कि एमसीडी क्या कर रही है? मुसीबत देखिए मेरा वार्ड रिसेप्शन कॉलोनी है, मैं हमेशा इस मीटिंग में कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर 22 गज में 22 लोग रहते हैं, इतना कंजस्टेड एरिया है मेरा, अगर वहाँ पे सफाई ढंग से नहीं होगी तो एक भी दिन आप शायद निकल नहीं पाओगे वहाँ से, एक मेरे वहाँ पे एक ड्रेन पड़ता है बड़ा ड्रेन SSBL ड्रेन, हम लोग आपके मेंटेनेंस के एक्शन बैठे हुए हैं, मैं लगातार इन्हें फोन पे मतलब बोल रही हूँ मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पे सारा पानी हमारी जो क्लस्टर है मतलब जो छुट्टियाँ उसमें पानी भरा हुआ है, ना कोई जेई आता है ना कोई एई आता है वहाँ तक, अभी मैंने इनसे पूछा इन्हें इनकी नॉलेज में ही नहीं है, कहते हमें पता ही नहीं है कहाँ पानी भरा हुआ है,
क्योंकि हर रोज मुझे सिर्फ ये फीडबैक मिलता है कि फोकलाइन आएगी और वहाँ पे लगेगी। जब मतलब एक सीनियर पार्षद की भी ये लोग नहीं सुन रहे तो ये किसकी सुनेंगे? आप ये बताएं कहाँ पर जाएगी? उसका अभी तक खाता पता नहीं है, इसलिए टेंडर वाला जो है वो अपनी लेबर नहीं लगा रहा। इस ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो साइट उन लोगों का अलॉट की गई है वो बहुत दूर है, वो वहाँ पर नहीं डालना चाहते थे। तो अगर शिफ्ट नहीं करेगी तब तो टीशर्ट करेंगे, टीशर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो बरसात में पानी भरेगा हर जगह। ये भी एक चिंता का विषय है। सदन ने मेरी बातों का ध्यान पूर्वक सुना। धन्यवाद। वही तो फिर तो होनी है बातें, लेकिन मैं पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकायत हम यहाँ करते हैं लेकिन काम उस पर पूरा हो नहीं पाता कहीं भी। रिपीट अगेन हमें वही बात रखनी पड़ती है। ये साल आपका पहली मीटिंग है और मुझे उम्मीद है कि पिछला साल बेकार चला गया है, इस साल हम सब लोगों को कुछ अच्छा करने का मौका मिले जिससे जनता की जो गालियाँ हैं वो कम हो सके, खत्म तो नहीं होने वाली, कम तो हो सके। तो मेरे वार्ड में 5 नाले हैं। 3 तारीख को कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई थी, बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस हुए थे लेकिन उसमें किसी पे भी काम नहीं हुआ है। हालांकि डीसी साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कई बार से बात हुई है, सारी चीज़ें उसमें काम करवाए गए हैं। वार्ड नंबर 59 ई है, लगता है दसरे वगैरह लगता है, तो वहाँ से भी जो हाथ से मेन पावर काम करती है वो भी नहीं निकाल पाएंगे, पानी वो वहन से हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फजत का काम होने वाला है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनको जो सीढ़ निकालते हैं उसको डालने की जगह नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसके लिए वो अल्टरनेट रास्ता देखें क्या करें, कुछ भी करके, मतलब एक नाला साफ होने हैं, बाकी नाले इतने बंद हो चुके हैं कि उसकी गलियों में पानी वापस आ रहा है, गलियों में पानी बह रहा है। आपके पास भी मैंने बाहर से कई लोगों ने फोन किया होगा, मुझे बताया कि हम चेयरमैन साहब को फोन करें, लेकिन बिल्कुल नहीं, चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है। तो आपको मालूम है स्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम होने की वजह से बहुत सुधार है। आपको बताऊं, मेरे पिछले कार्यकाल के अंदर जब हम आप सब पार्षद बन के आए थे उससे पूर्व में 900 से 1000 मैट्रिक टन, एक बार प्लीज, हमारे आप सब हम जब पार्षद बने उतने ही लोगों से तो कुछ तो सुधार पहले के मुकाबले निश्चित आया है, मगर ये हमारा संतुष्टि का लेवल नहीं है। मैं इस बात से खुद हम संतुष्ट नहीं है, हमें और बहुत आगे जाना है। चेयरमैन साहब, आपने भी हम लोगों ने भी सबसे ज्यादा कहते हैं बदलाव का, बदलाव नहीं हुआ, हमारा यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ है, हमें जो बताती है हमें जो बदलाव किया बदलाव नहीं आया है। साथ ही मैं दो पॉइंट भूल गया था अपने बता रहा हूँ मैं, एक जो अभी चेंज ओवर में काम चल रहा है नाइटों का, उसके लिए गूगल साहब का कहना है कि जी अनऑथराइज कॉलोनी में एमसीडी चेंज ओवर काम नहीं करेगी, कोई यूडीए लेटर दिया होगा इनको, उस लेटर की मैं कई बार कॉपी मांग चुका हूँ, वो कॉपी मुझे मिली नहीं है। और हमारे पूरे एरिए में सादा ईस्ट में जो है अधिकतर कॉलोनी साहब अनऑथराइज है, तो फिर कौन करेगा उसका चेंज ओवर काम, उसे करवाया जाए? ये हमारा काम थोड़ी, हम जाकर झगड़ा करेंगे किसी से भी, हम तो एमसीडी के जनप्रतिनिधि, यहाँ पे आकर हंगामा करेंगे, यहाँ पे हल्ला मचाएंगे, आप जाओ जहाँ जाना है आप करवाओ उस काम को, दुकान जाए कोई भी जाए हम ही आएंगे, हमें लाइटें चेंज कर दो आप, हमें कोई कहानी नहीं चाहिए, हमें कोई पानी नहीं चाहिए। और एक सुझाव मेरा ये है, जो बड़ी बड़ी ओपन जगह हैं वहाँ पे कुछ बड़े बड़े डस्टबिन लगवा जाए, जैसे गाजियाबाद नगर पालिका ने लगाए हैं, उसमें एक ऑप्शन बन जाएगा, तो ऊपर से कूड़ा डालने का होगा, साइड से खोलने का होगा, तो कूड़ा हमारा फैल जाता है बहुत बड़े एरिए में। वो सही रिपोर्ट नहीं देते, वो क्या करते हैं अपनी लेटर लिख के देते हैं लाइटें खराब है, बोल रहे हैं सही, तो वो टिक मारता है सबके लाइट ठीक हो गए ठीक हो गए ठीक हो गए सब पे करते थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक लाइट ठीक होती है, बाकी लोग करके नहीं जाते, झूठ बहुत बोलते हैं। और दूसरा, मैंने इनको कहा था जो लाइट मस्जिद पे या मदरसे पे दीवार पे लगी हुई है वहाँ पोल है, आप उसको ऊपर लगवा दीजिए, उसको ऊपर लगा दीजिए, आज पूरे 15 दिन हो गए उस लाइट में, आप उन्होंने तार खींचे ना, स्ट्रीट लाइट लगाइए उस पर और नैस को ठीक करेंगे। आप मंदिर पे है जो है ज्योतिनगर पे, उसमें पोल पे लगानी थी, उनको आज तक नहीं लगाई लाइट को, आप इसे पूछिए काम क्यों नहीं कर रहे लोग, क्यों उनको देने में रखा पूरा मारने वाला अंधेरे में गुजरेगा, लाइट को ठीक करने के लिए देते लोग जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं, ये नवसिंह भी आए हैं, हाँ तो इनकी जो कर्मचारी है वो ठीक रिपोर्ट देते ही नहीं इनको, और देते भी तो ये ड्रामा करते हैं, बोलने की तरीके कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहे हैं आप, लाइट झूठ बोल रहे हैं, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं आप सच बोलते हो, हम झूठ बोल रहे हैं आप सच बोलते हो, आपका वार्ड दे रहे हैं वो ऐसे खड़े जैसे हमारे ऊपर अंधेरे आ रहे हैं, अगर आप इससे जवाब नहीं मांगते
तो हम मांगे जवाब इनसे। मैं ये कोई तरीका तो नहीं है कि हम ये सदन में करने के आए हैं। कोई तरीका नहीं है सर बात करने का। चेयरमैन साहब आपको पूछ रहे थे कि आप इसके जवाब नहीं दे सकते। अगर एक एक विषय पर डायरेक्ट बातचीत होगी, अगर ये विषय नॉर्मल विषय नहीं है, आप ये बात विषय पर बातचीत करने के लिए नहीं कह रहे, विषय पर नहीं कह रहे, लेकिन अगर किसी काउंसलर के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया तो वो तो तुरंत पूछा जाना चाहिए। इस तरह से साजिद भाई सम्मानित पार्षद हैं, ऐसे ही सारे लोग बैठे हुए और आप भी उसी जगह हैं कि आप भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर आपके साथ कल को कोई बदतमीजी करेगा आपको कैसा लगेगा? यहाँ जय सामने खड़े हैं और एक सम्मानित पार्षद के साथ बदतमीजी हुई है, वो मुँह में बोल रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें नहीं कुछ भी कह रहे हैं। जब बात पूरी होगी उसके बाद ही तो कोई बात पूछते हैं। बात साजिद भाई ने अपनी बात खत्म कर दी और आपको कह भी दिया कि मैंने अपनी बात खत्म कर दी है। मैं इस बात पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ये बीएसएस के विषय में किसके बीएसएस के विषय में बीएस के किसके साथ हुई थी साजिद नहीं कौन गिरी था या कौन था? अच्छा लाइट ठीक नहीं, लाइट ठीक नहीं हुई थी तो मैं इनको फोन करके क्या लगा क्योंकि आप तो झूठ बोल दो, आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं तो साइड ठीक कर चुका हूं। अगर ये कुछ गलत कह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि क्रॉस चेक करा लेते एक बार सारी लाइटें आपके बैंड की और क्या। मैं सबसे पहले ये
एम्प्लॉय है जिनका नाम आपने बताया, उसकी अगर आप इंक्वायरी करिए या फिर उनको अप्रोचेज कराइए कंसर्न काउंसिल से, अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की है तो एक अनएक्सेप्टेबल है। इस मीटिंग के बाद आपके चैम्बर में एक बार बात करा देंगे, आप एक बार वन टू वन बुला के एक बार बात करा दें, ठीक प्लीज एक बार इसके बाद में अगर इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है तो इंक्वायरी के सी एस एस रखी जाए कि हम वहाँ पर रात में भी सुविधा दे सकें, कुछ ऐसा अगर कुछ प्रावधान बन सकता है कुछ स्पेशल एरियो के लिए जहाँ पर क्लीनिंग है तो एक बार मुझे बताएं। जहाँ जहाँ ऐसे विषय आए हैं हमारे सामने और स्पेशली एक एडिशनल डिप्लॉयमेंट का तो हर साल ही होता है कि नाइट शिफ्ट में उनको लगाया जाता है, बट इस बार ये भी डिमांड थी कि गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर ट्रॉलीज है और उनकी बस है उसके एडिशनल की डिमांड यहाँ पे भी रखी गई थी मेरे पास और कमिश्नर साहब के यहाँ पे मीटिंग में भी रखी गई थी, बट चूंकि हमारे पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है एडिशनल उसमें लगाने के लिए तो मैंने जहाँ जहाँ मेरे पास ऐसे इशूज पार्षद ने रेज किए हैं वहाँ मैंने जो एग्जिस्टिंग ही ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको डबल शिफ्ट में चलाने के लिए परमिशन दिया है, इधर ट्रैक्टर ट्रॉली है ऑटो टिपर जितना आपको मतलब जो आपके 30% डिस्क्रिप्शन जैसे सेट ऑटो टिपर है तो दो ऑटो टिपर आपको शाम को भी एडिशनल चलाने की मैंने परमिशन दी है। तो जहाँ जहाँ अभी भी ऐसा लगता है कि जहाँ जरूरत है जिस बॉर्डर ने अभी तक इस चीज़ के लिए रेज नहीं किया है तो आज भी मेरे पास आके आप बता सकते हैं पूरा कंसर्न आपके जो ऐसा है मेरे पास ऑर्डर लेके आए और आप बट वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा 15-16 जून तक ही, उसके बाद मैं अगर अनुमति है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार हमने एडिशनल कुछ डिमांड भेजी है ऑटो टिपर्स की ENM में भेजी है और वो भी इसका प्रोसेस कर रहे हैं 74 ऑटो टिपर एडिशनल।